इंडिपेंडेंस टाइम में इन्होंने एक शो लगाया था जिसमें कई सीरीज थी। जो मैं समझता हूँ कई सीरीज के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने एक पेंटिंग के अंदर कई दहाई और एक डोर दहाई, और कौन उसको उड़ा रहा है वो किसी को नहीं मालूम। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विलास का ने क्या सोचा, पर जो मैं उसको व्यू कर सकता हूँ कि 50 साल की आज़ादी के बाद ये पतंग तो हवा में घूम रही है, और 50 साल की आज़ादी के बाद दूर किसके हाथ में है, और 50 साल के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं आज़ादी मिलने के बाद, और जो जोर है जिसके हाथ में है उसका उन्होंने कोई डिस्क्राइब नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, कि वो किस दिशा के अंदर मुल्क को या देश को टाइट को किस तरीके से घुमा सकता है। पतंगों के ऊपर मैंने बहुत काम किया। इससे पहले जैसे रंग मुझे डरा से रहे थे, मैं उनसे भयभीत था। रंग लगाने से पहले अक्सर सोचता था कि ये रंग यहाँ कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो वो मुझे डरा रहे थे। उस डर को ओवरकम करने के लिए मैं जानबूझ के काइट सीरीज़ शुरू किया, जिसमें मैंने पतंगों का मानवीयकरण किया। एक पतंग के अंदर आँख नाक होंठ वगैरह बना के एक पूरा चेहरा बनाया और उनमें जैसे जीवन डाल दिया। और जैसे आप जानते हैं पतंग तो बहुत रंग बिरंगे होते हैं, तरह तरह के रंगों में मिलते हैं, तो वहाँ मेरा रंगों के प्रति जो डर था वो हट गया। मैं खुल के लाल लगाया, पीला लगाया, कहीं पे वॉयलेट यूज़ किया एक नीले आकाश में। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन पतंगों की फिर जब पतंगों का मानवीयकरण किया तो उनके साथ इंसानी जज्बात भी जोड़ दिए। पतंग की तरह उड़ना, हवा में रहना, ये सब थीम्स यूथ में होनी चाहिए। और जैसे जैसे आदमी ओल्डर होता है तो वो ज़मीन पर आके गिर जाता है और एक बीज की तरह फिर वो उगने लगता है। अभी ये आर्टिस्ट यंग है, ये चल रहे हैं, ये नई नई चीज़ों को पकड़ रहे हैं। विलास वाज बेसिकली he used to do all three-dimensional things, and now he has come to a two-dimensional. And recently I have seen his some paintings. I mean, they are abstract, given much more emphasis on form and color. Particular mixing jo hai, kis color ko kahan pe paint karna hai, aur plus jo abhi jo is show ke andar jo relief par ke andar jo ne ek white texture ka istemal kiya hai. मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है, और उसको देखते हुए दैट वाइट टेक्सचर कैन कैरी ए लॉट ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट पेंटिंग इन डिफरेंट सेंस। एक जगह वो क्लाउड भी हैं, एक तरफ वो पीस भी कहता है, एक तरफ वो कर्टन भी है। इट डिपेंड्स कि किस पेंटिंग के अंदर वो वाइट टेक्सचर कहाँ लगाया गया है। अगर एक पेंटिंग देखी जाए जहाँ पर एक औरत खड़ी है और एरोज हैं, तो आज की औरत जो है is full of violence, full of tension, and arrows that depict towards that woman. But usi saath mein ek white texture jo hai lagaya unhone, which symbolizes that she still has a hope. The one day she will liberalize, and that arrow, the white texture wo protect karta hai from the arrows, from the violence. Unka jo theme na bahut abstract hai, to wo jo beyond description ho jata hai jab aap abstract kaam karte hai na, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो परिभाषाओं के दायरों से ऊपर उठ जाता है। विलास जी, आपके काम में एक एक बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कभी आपके काम में एब्स्ट्रैक्शंस हैं, फिर मोल्डिंग्स हैं, तो ये इसका क्या कारण क्या है? मुझे चेंज बहुत पसंद है। ये मेरे काम में जब जब चेंज आया है, मेरे में अपने में एक ताजगी आई है, और इस ताजगी के तलाश में मैं निरंतर भटकता रहता हूँ। शुरू में जब मैं स्कल्पचर किया करता था तो मैंने बहुत स्कल्पचर्स किए ग्रेनाइट में। मैं क्वेरीज पे जाता था कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ से पत्थर चुन के लाता था और कार्विंग किया, वुड में कार्विंग किया। उससे जब ऐसा लगा कि जैसे उबने लगा हूँ, तो तुरंत मैं ड्राइंग्स में जंप किया। ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स का मैंने शो लगाया
और फिर एहसास होने लगा कि मुझे अब रंगों से खेलना चाहिए, तो तुरंत मैं काइट सीरीज पे आया। तो ये जो चेंजेस आई मेरे करियर में, ये मुझे हमेशा ताज़ा रखती हैं और यही मेरे ग्रोथ का कारण कह लीजिए। नहीं, अभी जो आपकी जो लेटेस्ट सीरीज है इसके अंदर काफ़ी चेंजेस होंगे, पिछले वर्षों का जो आपका काम है और अभी किस काम में? मुझे जो कैनवस का जो एक फ्लैटनेस है वो खलने लगा था। आई थिंक वन डे दे विल कम टू ए काइंड ऑफ सक्सेस और मे बी यू नो दे विल बी सैटिस्फाइड विद द मीडियम। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। जिस तरह वो चल रहे हैं मैं तो समझता हूँ कि फ्यूचर में वो अच्छा काम, इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो सीरियस हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं। एंड आई थिंक दैट विल लास्ट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन फ्यूचर। मैं चाहूँगा मेरे काम जितने लोगों तक पहुँच सके और जितने लोगों को आनंद दे सके उसमें मुझे खुशी है। लेकिन कलाकृति की एक अपनी एक मर्यादा है, उसे चौराहों पे एग्जिबिट करना मेरे हिसाब से गलत होगा। ऐसा देखने में आया है कि क्रिटिक्स कुछ लोगों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो बड़ा स्वाभाविक है, अगर किसी को मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो बहुत स्वाभाविक है कि वो मेरे बारे में शायद थोड़ा ज़्यादा लिख देगा, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं चाहूँगा कि क्रिटिक्स लोगों को ज्ञान दें कि पहले किस तरह का काम होता आया है, आजकल कैसा काम हो रहा है, हम किस तरह से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे आर्ट फील्ड में बहुत एक एवोल्यूशन हुआ है। कई सारे क्यूबिज्म आया, इम्प्रेशनिज्म आया, सुरलिज्म आया, दादाइज्म आया, आज यहाँ तक कि सब अपना अपना इंडिविजुअल स्टाइल अपनाए हुए हैं और भिन्न भिन्न तरह के काम हो रहे हैं, और वो इलॉजिकल वर्क नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे थॉट है, कंटेंट है, टेक्निक है। तो इन सब के बारे में मासेस को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो जो नई जनरेशन आ रही है इस फील्ड के अंदर, जी कॉलेज से निकल रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि कभी निराश ना हो, हिम्मत ना हारें और ईमानदारी और लगन से काम करते चले जाएं। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी।